नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर इस बार हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा के सरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नेतृत्व में भाजपा बावन सिंह विधायक अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तिरंगा झंडा लेकर कटरा विधानसभा के आर्यनगर कस्बा से तिरंगा झंडा काफिला कौड़िया कटरा बाजार कर्नलगंज होते हुए परसपुर से तरबगंज क्षेत्र नवाबगंज के लिए रवाना हुआ था। तिरंगा यात्रा रवाना हुई, जगह जगह तिरंगा झंडा लेकर भाजपा कार्यकर्ता समाज संगठन के लोग भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह नेताजी का जोरदार स्वागत किया। 90 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अखिलेश यादव द्वारा अमृत महोत्सव को लेकर कसे गए तंज को लेकर मीडिया द्वारा किए गए सवालों को लेकर अखिलेश यादव राहुल गांधी पर जमकर बरसे, कहा इनके दिन समाप्त हो गए हैं। अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिले के सबसे बड़ी 90 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा कटरा विधानसभा के आर्यनगर कस्बे से निकालते हुए कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत ये यात्रा सभी विधानसभाओं को होते हुए नवाबगंज में इसका समापन होगा। यात्रा रवाना से पूर्व मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष हम सभी पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज 90 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा में हमारे साथ कटरा के विधायक बावन सिंह मौजूद हैं, अन्य सभी विधायक आगे रैली में सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि ये 90 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा के पीछे जो संदेश छुपा हुआ है कि अब हर आदमी को देश और समाज के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए। ये पुरुषार्थ का समय है। बीता सौ बीत गया, अब तक हमने पैरों पर खड़े हो रहे थे। इन 15 वर्षों में भारत अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। हम अब दुनिया में पुरुषार्थ दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही देश के लिए एक एक बच्चे को कोई ना कोई संकल्प लेना पड़ेगा। पत्रकारों द्वारा अखिलेश यादव के इस बयान, जिसमें उन्होंने भाजपा को अपना अतीत छुपाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के दिन बीत गए, इनको अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये दोनों पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ये अभी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कोरोना की दवाई पर बयान देंगे। जनता ने इनको नकार दिया है। इनके बारे में सवाल हमसे मत पूछिए। रामनारायण जायसवाल की गोंडा से रिपोर्ट।